जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ श्री और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल श्रीज ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आके पहुँच गई हूँ ओडिशा में मेरे मामा के यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फेस्टिवल होता है जिसको हम बोलते हैं रज पर्व। तो उसका पहले दिन क्या होता है ना, पहला रज होता है जिस दिन हम लड़कियाँ क्या होता है ना, पाँव में आलता वगैरह, मेहंदी हाथों में, मेहंदी, नई चूड़िया, नई ड्रेस, नया साड़ी वगैरह पहनते हैं। सेकेंड डे क्या होता है ना, रज संक्रांति होता है जिस दिन मेरे मामा के यहाँ ना पूजा होती है, बहुत अच्छे से पूजा होती है। तो आज सेकेंड डे है और हम निकल रहे हैं पूजा के लिए। यहाँ पे एक तालाब है, मतलब मंदिर है के पास एक तालाब है, वहाँ से क्या होता है ना, हम एक घड़े में पानी लाते हैं, वहाँ से पूजा के फिर यहाँ पे पूजा होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही धूप हो रही है, तो ये छोटी बच्ची ने क्या किया है ना, टावल को पानी से गिला करके अपने सर में रख दिया है, बोल रही कि मेरे बहुत सारे लंबे लंबे बाल है वैसा करके। और ये हम सब जा रहे हैं, इसका मन तो बहुत ही खुश है। तो यहाँ पे अभी पूजा स्टार्ट हो गया है, बहुत ही धूप है, तो यहाँ पे पूजा चल रहा था इसलिए हमने क्या है ना, वहाँ पे एक जगन्नाथ का मंदिर है, हम वहाँ पे गए थे देखने के लिए, पर अभी तो जगन्नाथ मंदिर में नहीं है रथ यात्रा के लिए, वो अभी अणसर घर में है। तो ये मंदिर खाली है, उनके पास ये देखिए हनुमान जी का बहुत ही बड़ा मूर्ति है, और यहाँ पे एक शनि मंदिर है छोटा सा, और एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे रथ बनाने के चालू हो गया, हम फिर से चले आए यहाँ पे पूजा हो रहा था। तो अभी पूजा खत्म होने को है, हमारे एक जीजा जी है, हाँ, वो बोल रहे हैं कि मैं शंख को बजाऊंगा, तो वो ट्राई कर रहे हैं। पहले दो तीन बार तो नहीं बजा, फिर बहुत बार ट्राई कर रहे उन्होंने कर लिया। तो उनको देख के ये बच्ची जो है ना, वो बोल रहे है कि मुझे भी बजाना है, तो वो ट्राई कर रही है। यहाँ से 500 किलोमीटर होगा मेरे नाना का यहाँ, तो मेरे नाना जी क्या करेंगे ना, यहाँ से पैदल चल के जाएंगे, मतलब बिना जूते के, क्योंकि उन्होंने कलश को अपने सर पे ले रखा है ना। और वो बहन जो आगे चल रही है, वो उनके रास्ते को मतलब उनके से पवित्र कर बोलते हैं ना, वो पानी डाल के जा रहे हैं। बहुत ही था क्योंकि उनका तो आदत है। ये हम चल रहे हैं, धूप बहुत ही ज़्यादा था, पर मेरे नाना जी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बोल रहा है कि देखो मैं कैसे आ रहा हूँ, हमसे चल रहा हूँ। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे मस्ती किए पूजा के टाइम, हम बहुत ही मस्ती करते थे, हर साल हम ऐसे ही मस्ती करते हैं, पर इस साल तो धूप बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी पूजा स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे क्या होता है ना, जब वो पंडित जी चंडी पाठ करते हैं मेरे नानी को, वो जो ये मंगला, मतलब हम बोलते हैं मंगला, मतलब जो मंगलकारी होती है, वो माँ आती है उनके अंदर, हर साल जून 15 को हम पूजा करते हैं, और उस दिन हमारे घर के मतलब सभी लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ही अच्छे से हम पूजा मनाते हैं। तो मैंने इस तरह से रज पर्व को सेलिब्रेट किया है,
अभी तो पूजा चल रही है, बहुत देर तक पूजा चलेगी। मेरे नानी के ऊपर माँ आती है, तो वो माँ भी आ गई है, इसलिए मेरी एक बहन है उसको पकड़ी हुई है, क्योंकि वो अभी बुढ़ी हो गई है ना, तो कहीं गिर गिर जाएगी इसीलिए। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और आशा करती हूँ कि आप सबने भी रज पर्व को ऐसा ही मनाया होगा, अच्छे से हंसी मजाक से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।